हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपिकास किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैगीज पकोड़ा। ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी है बनाने में। ये इवनिंग स्नैक्स के लिए मैंने बनाया है। इसके लिए मैंने ले लिया एक प्याज बारीक कटा हुआ, दो हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, और इधर मैंने दो मैगी का क्यूब ले लिया और एक अंडा। अभी मैं और इधर गर्म पानी रखा एक कप। अभी मैं मैगी को 10 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो के रखूंगी। दस मिनट इसको गर्म पानी में अच्छे से भिगो के रखना है। ये देखिए 10 मिनट हो गया, मेरा मैगी इतने अच्छे सॉफ्ट हो गया। अभी मैं इसका जो पानी है वो गर्म पानी में ड्रेन कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने पानी ड्रेन कर लिया, इतना अच्छा हो गया और सॉफ्ट भी हो गया मेरी मैगी। अभी मैं गैस पे ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए। अभी मैं मैगी को हाथ से अच्छे से मैश कर लेती हूँ, बहुत अच्छे से। अभी मैं इसमें जो प्याज कटा हुआ था वो डाल देती हूँ, और हरी मिर्च जो कटा हुआ था वो भी डाल देती हूँ सब, और अच्छे से मिक्स कर देती हूँ इसमें। ये देखिए प्याज और हरी मिर्च से मेरा मैगी इतना अच्छा मैश हो गया। अभी मैं इसमें सॉल्ट और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देती हूँ। अभी मैं इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और एक अंडा डाल देती हूँ, और इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अच्छे से मिक्स करना है घुमा घुमा के। ये देखिए अच्छे से हो गया। अभी मेरा ऑयल भी गर्म हो गया। हाँ, मेरा ऑयल भी गर्म हो गया। ये देखिए मेरा ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया। अभी मैं इसमें पकौड़ा डाल देती हूँ। देखिए हो गया। आपको अभी गैस को सिम में रखना है, क्योंकि ये बनाना मत सिम में रखे तो अंदर से फ्राई होगा। अगर आपने गैस बढ़ा दिया तो ऊपर से लाल हो जाएगा लेकिन अंदर कच्चा रहेगा। आपको ये सिम में रख के फ्राई करना है। ये देखिए मेरा एक साइड अच्छे से लाल हो गया, फ्राई हो गया। अभी मैं इसको पलट 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 देती हूँ दूसरी साइड फ्राई होने के लिए। तो देखिए कितना अच्छा ब्राउन कलर आ गया मेरे मैगी पकौड़ा। ये देखिए हो गया, अच्छे से लाल हो गया दोनों साइड। अभी आप गैस को ऑफ कर दीजिए। अभी मैं इसको उठा लेती हूँ प्लेट में। ये गरम गरम सॉस के साथ बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत क्रिस्पी होता है। ये गरम गरम सर्व कीजिए। ये देखिए मेरा मैगीज पकौड़ा बनके तैयार है। अभी मैं इसको खाने जाऊंगी, और मैं इधर मेयोनीज और सॉस ले ली। ये गर्मा गर्म मेयोनीज और सॉस के साथ सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी है। आप घर में बना के जरूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर भी करिए प्लीज़ प्लीज़।